रिकॉर्ड्स। इट्स फ्राइडे एंड संडे को दिवाली है और अभी है कसा हुआ ट्रैफिक है। आज का ट्रैफिक एकदम इनसेन है। यू कैन नॉट जस्ट आई कैन नॉट जस्ट इमेजिन कंडीशन हो रही है रोड की। अभी हर जगह से गाड़ियाँ फंसी हुई है और जैसे जैसे मैं पहुँच जाऊँ आई होप आज मुझे मेरी बस है। एंड राइट नाउ इट इज़ अराउंड 7:15, तो अराउंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस और बचा है, बट ट्रैफिक हिलने का नाम नहीं ले रहा है। लेट्स सी मैं पहुँचता हूँ तो नहीं पहुँचता हूँ। आप खुद ही देख लो यहाँ के नज़ारे, कुछ देखने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से निकल रहा है, जैसा हॉर्न मारना वैसा मार रहा है। आई मीन लोगों को फेशन से अगर बचा ही नहीं है। एवरीबडी फ्रस्ट्रेटेड, एवरीबडी हॉर्न हॉर्न, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस चल रहा है। आई मीन कुछ चीज़ों पर वाकई में बहुत गुस्सा आता है, बट नॉट चेंज इट। त्यौहार का टाइम है, सबको जल्दी जाना है, सो आई मीन सब जल्दी में है और ये टाइम ऐसा होता है कि जस्ट मिस हुई तो पूरे फेस्टिवल की बात। सबको घर टाइम पर पहुँचना है और सब ऑफिस से निकलते हैं 5 या 6 बजे। उस टाइम पर हमेशा इतना ट्रैफिक होता है, बट टुडे आज का ट्रैफिक साल में एक बार ही ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से, मेबी ऑन दिवाली, बट ऑफ अदर टाइम इट इज़ कॉमन। सो गाइज इट इज़ 7:50 राइट नाउ और फाइनली मैं टाइम पे अपने पिकअप पॉइंट पे पहुंच गया, नहीं तो आपको मेरी वाट लग जाती। और मुझे लगता नहीं है कि 8:30 के पहले बस आएगी, तो आई एम जस्ट स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप एंड वेटिंग फॉर माई बस। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया बिकॉज नवंबर का टाइम है। सो गाइज इट इज़ अराउंड 8:15 एंड आई एम वेटिंग फॉर माई बस एट द बस स्टॉप। एंड मैंने ड्राइवर को कॉल किया तो उसने बोला कि 45 मिनट्स और लगेंगे, सो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और देखता हूँ कब तक आती है। इसलिए मैं बैठ गया हूँ यहाँ पर बिकॉज एक आधे घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं एक ढाबे पर रुका हूँ कुछ खाने के लिए। बिकॉज 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया और अभी बहुत भूख लग रही है, तो फटाफट खाऊंगा उसके बाद सोऊंगा। तो स्लीपर में मैं 16 घंटे सो भी नहीं पाऊँगा, तो आई विल टेक माय डिनर देन आई विल स्लीप। सो गाइस मैंने खा ली पाव भाजी और मैं आ गया हूँ बस में वापस। एंड आप लोगों से सुबह मिलता हूँ। आई होप मेरा पेट खराब ना हो।